बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री वाणिजुराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री तीनोपुरी धाम की, श्री चरणदास महाराज की, श्री बाबा दयाराम साहेब की जय, श्री राम रतन दास महाराज की जय, श्री छत्रसाल महाराज की जय, श्री लालदास महाराज की जय, समस्त सुंदर साध की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चतुर षष्ठामयी सम्ये चतुर दिक्षु विराजितम् तात्र सिंहासने ध्यायितं कृष्णं कमललोचनम्। प्रथम लादु दोम चरण को धनीन क्यों कहो गुजर किया चरण की, इतना ही थोड़े बोलन पकड़े स्वरूप पुराण देते हैं। मेरे जीव के माशिक तुम्हारी तुम यहाँ की माशिक कमी नम किया साथ
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। होने लगी चर्चा कयामत का मजबूर, सनंदे सुनी दिन ने सब देखा हक हजूर, सब देखा हक हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इन समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर, रहत मुसलमान बेदड़े तीनों किया अति जोर, तीनों किया अति जोर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साहब जी, कल हमने वितर के अंदर श्रवण किया कि श्री जी औरंगाबाद के अंदर कार्य कारण सरवा से निकल गए और औरंगाबाद से निकल करके बुरहानपुर आए, बुरहानपुर से आकोट में आए, आकोट में चार मास रहे, वहां से कापस्तानी और कापस्तानी से अलेजपुर और अलेजपुर से देवगढ़ होते हुए रामनगर के अंदर आकर के विराजमान लिए की घाट पर जमात के साथ। यहाँ बहुत सारे सुंदर साहब की जानी भी हो रही है। 2 साल रामनगर के अंदर की लीला है, मजल है और इस दरमियान कहोट सेवा उत्सव चर्चा धूमधाम रामनगर के अंदर हुआ। आजिज माजिज को भी परास्त कर लिया और एक जबरदस्त आया से खिलाया जो सुल्तान का हुक्म हुआ था पुर्दल खान के ऊपर, पुर्दल खान का हुक्म हुआ था शेख खिदर के ऊपर, तो शेख खिदर आया था अहली बनकर के पुर्दल खान का रामनगर के अंदर जो बैरागी उनको पकड़ने के लिए। लेकिन भिखारी दास 3 दिन 3 रात तक चर्चा सुन करके जब गए और जा करके बताया कि मैंने देखा हादी जमाने का, मैंने आखिर जमाने के हादी के रूप में महात्मा की पहचान किए, जो कि इमाम मेहंदी का स्वरूप है हमारे हिंदू धर्म से, तो 28 से कल जिसके बुद्ध निष्कलंक अवतार है। तो कैसे मान लिया, तो भिखारी दास ने समझाया 7 निशान कयामत के खोल करके रख दिए, 40 प्रश्न भागवत के, 40 हदीस कुरान के, और जो पराग सदा प्रेम लक्षणा उत्तम आदि उत्तम सर्वोत्तम प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग उसकी पहचान करवाई, और साथ में जो दोनों थे हिंदू पक्ष मुसलमान पक्ष के उन दोनों ने साक्षी दी, तो शेख खिदर वैसे ही उठिया और जमात के साथ आ गया श्री जी के पास और आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम किया तो पाए अपनी बदनी। अब चर्चा सुनने के लिए बैठ गए थे, कयामत की चर्चा हो रही है, सनंदे सुन रहे, चर्चा में बड़ा रस पड़ रहा था और सब देखा हक जहूर, धनी के चेहरे पर ऐसा नूर देखा, ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज देखा कि मानो के परम धाम के अंदर जो मुल मिलावा के अंदर कंचन वन के सिंहासन पर जो स्वरूप विराजमान है उन्हीं स्वरूप का नूर स्वयं या साक्षात केत की घाट पर विराजमान महामति श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप पर देखा, मुखारविंद पर देखा। बड़े इंटरेस्ट से कहो चर्चा सुन रहे थे, एकाग्रचित होकर के, उतने में वो जो बेगड़ के जो मुसलमान थे वो आकर के शोर मचाने लगे। उन मुसलमानों को लगा के सुल्तान ने भेजा है शेख खिदर को और शेख खिदर इन महात्मा को पकड़ने के लिए आए हैं, अगर हम जाकर के महात्मा के पकड़ने में सुल्तान की या शेख खिदर की मदद कर देंगे तो शेख खिदर जाकर के सुल्तान के आगे हमारी सिफारिश करेंगे तो सुल्तान खुश होकर के हमें बख्शीश देगा, यह सोच करके यहाँ आए थे और दूर से ही शोर मचाने लगे, मजलिस भरी हुई थी, शेख खिदर भी बड़े एकाग्रचित से चर्चा सुन रहे थे तो दूर से ही कह रहे, अरे हे महात्मा जी, आपने जो कुरान पधराया है जो हिंदू को रशम नहीं है, क्यों मोहम्मद की चर्चा कर रहे हो,
यह देख करके तब शेख को गुस्सा चढ़ा, इन्हें उठा दियो मुर्दक देव धक्के इनको, करने लगा हरकत हक्का। तुरंत शेख इधर को गुस्सा आया, एक तो ध्यान से चर्चा सुन रहे थे उसमें भी डिस्टर्ब हो रहा था, दूसरी ओर कहो तो अपने हादी जो कबूल कर लिया आत्मा समर्पित कर चुके हैं, तो हादी के ऊपर अयोग्य शब्द बोल रहे थे तो उसे सहन नहीं हुआ। तो शेख खिदर ने अपने सैनिकों से हुक्म किया कि इन मुसलमानों को मार करके यहाँ से भगा दो। तो वैसे ही सैनिक बैठे ही थे जमात के अंदर, तुरंत सैनिक खड़े हो गए और उनको मारने के लिए दौड़े तो डर के मारे वहां से भाग गए। अब दिन दूसरे गया राजा की सोहबत, हे फत है राजा तुमको ऐसा पहलवान रहे इतर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब शेख इधर आया रामनगर के राजा के पास, रा करके राजा को कहता है, हे राजा धिक्कार है तुझे, ऐसा पहलवान रहे इतना, कैसा पहलवान, यह देखो तो ज्ञान का सागर है, इलम का सागर है, देखो तो ईश्वर का सागर है, और ये स्वयं अक्षरादित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप महामति श्री प्राणनाथ जी, जो खुदा की शक्ति से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति से सर्व संपन्न, ऐसे शक्तिवान महात्मा तुम्हारे राज्य में इतने समय से 2 साल नहीं आया, बैठे हैं, लेकिन क्या कभी तू एक बार भी दर्शन करने नहीं गया, विचार नहीं किया कौन महात्मा है, कहां से आए, कैसे हैं, विकार है राजा तेजी। राजा सुन करके बड़ा हैरान हो गया, अभी तो गड़े से पुकार कर रहा था इन महात्मा को मेरे आगे कर दो, मैं इनको पकड़ करके ले जाऊंगा, वरना सुल्तान की कहो चढ़ाई तेरे ऊपर होगी राजा करके, और अब उन्हीं की प्रशंसा करने लगा। तब राजा बोलिया, अभी तुम करते पुकार, भली भई तुम्ही फेरे तुम्ही करने लगे करा, अच्छा हुआ आप इनकी प्रशंसा करने लगे और आपका मन फिर गया, मैं तो बदनामी से बच गया, धन्य है ऊपर वाले की बड़ी मेहर है। तब शेख इधर ने कहा, अब हम उनके गुलाम जो हमको ये फरमाए, सो सब हमें करना दे पैगाम पहुंचाए, मुझे क्या पता था कि महात्मा कैसे है कौन है, जब मैं उनके पास गया और चर्चा सुनी और तब मैंने उनकी पहचान की ये तो आखिर जमाने के हादी है करके, तो मैं क्या उनको कैद करूंगा, अब तो मैं उनका गुलाम, एक उदास्य भाव नहीं है ये समर्पण का भाव है, एक मालिक के आगे नौकर का अस्तित्व कितना है उतना अस्तित्व भी अब मेरे कहो, मेरा अस्तित्व मेरे खुदा के आगे हादी के आगे इतना भी अस्तित्व रहा नहीं है, अब तो मैं स्वयं उनके बंधन में पड़ा हूं, मैं क्या उनको कैद करूंगा, अब तो वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, जिस तरह से वो कहेंगे संदेश पहुंचाने को मैं पहुंचा दूंगा, जो होना है वो, अब मुझे किसी का भी डर नहीं है फिक्र नहीं है। तब लोगों ने कहा, राजा को सुकन हे इनके पास भुरकी सुहात रहे मामिना। तब जो राज दरबार के अंदर राजा के जो पेटार्थ पंडित बैठे हुए थे, उन पंडितों ने कहा राजा से कि हे राजा सावधान, यह जो महात्मा कोई मामूली नहीं लग रहे, जरूर इनके पास कोई भुरकी है, या तो जो भी आता है हिंदू आए तो भी शामिल हो जाता है, मुसलमान आए तो भी शामिल हो जाता है, देखो सिख इधर जैसा इतनी बड़ी जमात लेकर पकड़ने के लिए आया था वो भी उनका गुलाम हो गया, तो तू भी सोच समझ करके जाना राजा उनके पास, क्योंकि वो बुरकी रखते हैं, जैसे ही जाओगे प्रणाम करोगे ऊपर से बुरकी डाल दोगे तो तुम भी उनके गुलाम बन जाओगे। तो राजा डर गया, इन पंडितों ने कहो तो राजा के दिल के अंदर शंका पैदा कर दी, और ऐसी शंका डाल दी कि राजा बिल्कुल पास में आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब दूर से आकर के एक मुसलमान शेख इधर आकर के इस तरह से उसे ललकारता है धिक्कारता है, तो शर्म भी आई कि नहीं अब तो मुझे न्योता भी देना चाहिए, भंडारा भी करना चाहिए, सब कुछ जिमाना भी चाहिए, इस तरह से
समझ करके राजा ने अपनी बदनामी से बचने के लिए कहो तो श्री जी के पास नोटा पटवा दिया और सबको एक बाग में आमंत्रित किया। भंडारा लगाया राजा ने और राजा ने कहा अब मैं दीदार करने के लिए जाऊंगा लेकिन वास्ते शेख खिदर, मैं अपने लिए नहीं जाऊंगा उस महात्मा के दर्शन के लिए लेकिन शेख खिदर के लिए, उसने आकर के मुझे ऐसा कहा अब उसके लिए मैं जाऊंगा दर्शन करने लेकिन दूर से ही दर्शन करूंगा। अब एक बाग में भंडारा लगाया था, सब जमात आई श्री जी के साथ, सब पंगत बैठ गई, उच्च आसन पर श्री जी विराजमान है। अब जब तक लंगर देने वाले भंडारा देने वाले प्रणाम ना करे तब तक लंगर शुरू नहीं हो सकती। तो राजा तो पास में आने के लिए ही डरता था, इसीलिए दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सवन, बाग में आए आए के दीदार किया मामीना। बाग में आकर के दूर से ही को दर्शन करता है श्री जी के और दूर से ही कहता है जिमो संतो जिमो। बस इतना ही राजा का अंकुर था और वो अन्य लाभ ले नहीं सका और राजा चला गया। फिर से खिदरे मांगिया हमको करो हुकम, तैसा हम हजूर में लिखा करे बाब तुम्बा। अब शेख खिदर फिर आए हादी के पास श्री जी के पास। अब पहचान तो हो गई, आत्मा तो समर्पित कर चुके लेकिन वापस भी तो जाना होगा, जिम्मेदारी को भी तो निभानी पड़ेगी। तो श्री जी के चरण में स्वयं अर्ज करते कि हे धनी अब तो आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं वो पुर्दल खान को लिख करके भेज दूंगा। श्री जी ने कहा अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जैसा तुमने देखा है जो पहचान की है तेरी आत्मा ने जो कबूल किया है वही लिख करके भेज दो सिखिदर को और वह भेज देगा सुल्तान को, वो भी अपने अंकुर मुताबिक सुख प्राप्त करेंगे। तो यहाँ सिखिदर और उसके साथ कहो तो इतनी बड़ी जमात, उसमें से कहो तो बहुत सारी आधी जमात यहाँ धर्म में शामिल हो गई। जो आजिज माजिज ने जमात खत्म कर दी थी, मोमिनों का चलना हुआ था, अब वापस देखो रामनगर के अंदर ही जमात प्लस हो गई और उनके जो मंत्री थे भिखारी दास वह भी खास खास आत्मा निस्बती आत्मा थी, वो पहुंचाने के लिए गए सेखिदर को, फिर सेखिदर को पहुंचा करके वापस आते और फिर जमात के अंदर धनी की सेवा में ही रह जाते हैं। जब देवीकरण विदा भये तब पूछा श्री राज ने बात, तुम अपना ठोर छोड़ के और मुलक क्यों जात। अब केतकी घाट पर जब सूरत सी आए थे श्री जी के पास और उन्होंने पहचान की थी, देखे धनी निर्धार और तारतम ग्रहण किया था, यह बात उन्होंने देवकरण भाई से की थी और देवकरण भाई को लेकर के आए थे श्री जी के पास और देवकरण भाई ने भी धनी की पहचान की, देखे धनी निर्धार। तो एक दिन जब श्री जी ने हुक्म किया था देवकरण भाई को कि तुम सुल्तान के सामने लड़ने के लिए कमर बांधो, तब देवकरण भाई ने कहा था कि यह ताकत मेरे अंदर नहीं है लेकिन मेरे जो चाचा है उसको मैं ये खबर दूंगा संदेश दूंगा वो जरूर कमर बांधेंगे। अब इस समय कहो तो श्री जी के पास देवकरण भाई आते हैं विदाई लेने के लिए कि अब मैं जाऊंगा मऊ और मऊ जाकर के महाराजा छत्रसाल जी को आपका संदेश दूंगा। तो श्री जी ने कहा कि अरे भाई तुम अपना राज्य छोड़ करके दूसरे के राज्य में आकर के क्यों बसे हुए हो। तब देवकरण भाई ने जवाब दिया कि चाचा से एक बात में मेरी अनबन हो गई थी तो मैं लूट गया चाचा जी से और लूट करके यहाँ रामनगर में आकर के यहाँ दरबार में चाकरी करने लगा। 2 साल होने आए, 2 साल पहले ही मैं आ चुका था लेकिन वापस कभी भी मैं गया नहीं। तब श्री जी ने कहा, तब श्री राज ने कहा तुम आए इन काज यह वस्तु लेके पहुंचाओ ने महाराज। हे देवकरण भाई तुम्हारे आने का कारण
अन्य कोई नहीं था, यही कारण था कि मेरा संदेश महाराजा छत्रसाल तक आप पहुंचाओ, इसीलिए मेरे आने से पहले आप रामनगर में आकर के बैठे थे। देखो भविष्य में जो होने वाला है उसकी चिंता, उसके ऊपर नजर, वो सारी हकीकत हो तो धनी के पास है, इसीलिए जो जो परिस्थिति चाहिए उन परिस्थिति को स्वयं वो खड़ी करते हैं। अब 2 साल पहले ही प्रबंध कर चुकी श्री जी के आने से पहले और देवकरण भाई को पहुंचा दिया रामनगर के अंदर। हमें कभी कभी लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होता तो, ऐसा होता तो ना, लेकिन वो तन की जाने, मन की जाने जाने, दिल की चोरी, उन साहिब से क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। वो सब कुछ आद्योपान हमारा पास्ट भी जानते हैं, प्रेजेंट भी जानते हैं, फ्यूचर भी जानते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, इसलिए जो भी परिस्थिति आती है वो राजी महाराज का प्रसाद ही समझ करके हमें उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। या देवकरण भाई को पहले पहुंचा दिया और बाद में श्री जी ने कहा देखो कि तुम इस कार्य के लिए यहाँ करके बैठे थे, अब जा और जा करके महाराजा छत्रसाल को खबर देना कि मैंने बहुत राजा देखे लेकिन बिना अंकुर के, कोई अंकुर वाले नहीं थे, कोई निस्बती नहीं थी, दाम का सच्चा अंकुर तो मैंने यहाँ देखा है, और मेरे संदेश देना कि मैंने तुम्हारे चाचा को शाकुंडल सखी बैठी है, जो सुन करके तुरंत ईमान लेकर के आएंगे और शाकुंडल अपना रंग दिखाएगी। नवरंग इन वास्ते रामनगर से चल के मऊ आए, खबर करी महाराज को दिया पैगाम पहुंचाए। अब देवकरण भाई रामनगर से चल करके आ गए पन्ना के अंदर, मऊ के अंदर, और आ करके महाराजा छत्रसाल जी से मिलाप किया और मिलाप करके फिर श्री जी का संदेश दिया। इस तरह से चर्चा करते हैं, काफी समय से रामनगर के अंदर है और मैंने स्वयं उनके हादी के रूप में पहचान की है, और वो जो दिल्ली वाला जिनके सामने आप लड़के ही आए हो, वो नवरंग अक्सर आखत है लड़ाई इस्लाम, दावत सब ठोरो करे बुलाए अपने ठाम। उन नवरंग के मतलब के जो सुल्तान है, जो हिंदू धर्म से ईर्ष्या करता है, हिंदुओं से ईर्ष्या करता है, उनका मुख देखना पसंद नहीं करता है, जबरदस्ती हिंदू के ऊपर अत्याचार करके उनको भी मुसलमान बना रहा है, उसके सामने लड़ने के लिए इन महात्मा जी ने हादी ने कमर बांधी हुई है। और इतना ही नहीं, मैं उनका पैगाम लेकर के, संदेश लेकर के आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि असल अंकुर मैंने देखा है छत्रसाल महाराज के अंदर, और आपको धाम के शाकुंडल सखी परखी हुई है। अब महाराजा छत्रसाल इस पैगाम के ऊपर विचार विमर्श करने लगे, और यह बात उन्होंने कहो तो बल दीवान के आगे रखी, सब मिलकर के सोच रहे थे, विचार कर रहे थे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि एक ही साथ कैसे बुलाए महाराजा छत्रसाल, और उनके दुश्मन ज्यादा थे दोस्त बहुत कम थे, और इस तरह से कैसे विश्वास कर ले, तो विचार कर रहे थे। और यहाँ रामनगर के अंदर चर्चा उत्सव धूमधाम हो रहा है। अब इतनी बड़ी जमात है तो जमात की सेवा करने के लिए भी सुंदर साथ चाहिए, तो यह जो रामनगर के अंदर जो सेवा करने वाले साथी थे उनके नाम स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने बताया हुआ है। सबसे पहले तो कहो मोदी खाने की यानी कि भंडार की जो जिम्मेदारी थी वो भरने की जिम्मेदारी पति राम की थी, पर उनका साथ देने के लिए केशव दास जी थे और जती थे। पानी पिलाने की सेवा में जयंती काका थे, बाजार से सामान लाने में गोकुलदास, सबके ऊपर देखरेख में खजांची के रूप में थे गरीब दास जी, फिर रसोई में खेमदास, गंगाराम, संतदास, गोवर्धन, फिर बाद में गौ पीछे से ये सेवा सूरजमल ने भी लिया, और सबके ऊपर देखरेख में दरोगा के रूप में थे प्रद्रावन भाई। अब इतनी बड़ी जमात है और जमात का भंडारा करने के लिए, रसोई बनाने के लिए, आग जलाने के लिए लकड़ी भी इतनी सारी चाहिए, तो बराड़ के सुंदर साथ की सेवा थी जंगल में से लकड़ी लेकर के लाना।
फिर वारी गाने में निर्मल दास थे, मुकुंद दास उसमें साथ देते थे, श्री बाईजू राज साथ में थे और बाईजू राज गाने की सेवा करते थे और बाईजू राज के साथ हो तो गोदावरी थी, हमो थी और जो सनंदे वाणी की है वो अरण्य रामते आदि गाते थी। संध्या आरती में लाल दास जी और मुकुंद दास जी उत्तम दास जी ढोल बजाने की सेवा करते थे और देख रेख में निर्मल दास और वनमाली दास थे और खिमाई दास ताल बजा बदल कन्नड़ गाने में कल्याण कला जमा बदल ये सेवे सब ठाड़े रहे। यहाँ इस समय कहो तो संध्या आरती भी बड़ी अच्छे से होती थी और खिमाई दास ताल बजाने की सेवा करते थे, कन्नड़ भाई गाने की सेवा करते हैं, कल्याण भाई कला जमाने की सेवा करते थे और अन्य जो जो सुंदर साथ थे जिन जिन की जो जो सेवा थी वो सब इस समय अपनी अपनी सेवा में खड़े हो जाते थे और साथ सब ठाड़ा रे छबिल दास बजावत शंख आरती संजा समय बोधे गए मगन होवे निशंक। किसी के दिल में जरा जितना भी कोई शंका, किसी के दिल के अंदर कोई कलजुग वृत्ति नहीं है। स्वयं श्री जी विराजमान है केतकी घाट पर और तन मन धन से सुंदर साथ उनकी सेवा कर रहे हैं और यहाँ जो सेवा में खड़े रहने वाले जो आगे होकर के जो सेवा करने वाले ना ये तो जाको धनी पकड़े हा, वो ही खड़े रह सकते इस सेवा के अंदर जिनके ऊपर स्वयं धनी की नजर है। ये तो जो आगे वान सुंदर साथ है सेवा करने में जो समर्पित जिनके अंदर कहो तो मैं बिल्कुल मर चुकी थी, जो गुलाम अपने आप को मानते थे और श्री जी को स्वयं धाम के धनी के रूप में साक्षात स्वरूप की जो सेवा कर रहे थे वही स्वरूप के अंग मान करके सुंदर साथ की सेवा करने वाले जो मौमी है आगे मानव उनके नाम यहाँ बताए गए हैं। संध्या समय इस तरह से सुंदर छबिलदास शंख बजाने की सेवा कर रहे हैं और सभी सुंदर साथ जो जो अपनी सेवा करे वो तो सेवा में है, अन्य सुंदर साथ भी खड़े हो करके आरती के दर्शन करके आरती का लाभ ले रहे, सुख आनंद को प्राप्त कर रहे। हम जब ये आरती होती है तो आरती में शामिल होने की हमारी बहुत भावना होती है और हमारे भाव अच्छे होते हैं कि हर सुंदर साथ को लगता है कि हम भी आरती उतारे। लेकिन देखो आरती ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में ही वो पांच दिए की आरती आएगी और हम आरती उतारेंगे आग जलाकर तो ही आरती होगी, वही आरती मात्र आरती नहीं है। आरती का दूसरा भाव लेंगे तो हरिद्वार की मजर के अंदर आया था भई नैरे नव खंडो आरती, तो वहां तो ज्ञान का दीपक जलाया था। अब ज्ञान के दीपक की रोशनी जब हमारे दिल के अंदर प्रकट हो जाती है तो प्रेम का दीपक जलता है ना, और प्रेम रूपी आरती जब हम उतारते हैं तो नजरों से भी आरती उतारी जाती है। एक पुजारी जी महाराज कहो या कोई एक का सुंदर साथ आरती कर रहा है और हम जैसे मान लो कि पांचवी भवन के अंदर सुबह सुबह जब श्री जी उठते हैं यानी कि धाम धनी श्री राव से ठकुराणी जी उठ करके रंग परवाली महल के अंदर विराजमान होते हैं और सभी सखिया जब आती है आरती साज के श्री इंद्रावती लाई कहा, देखो अब आरती उतारी तो नहीं कहा, अब आरती सजा करके ले करके आई इंद्रावती तो सजाइए तो उतारने के लिए ही सजाई इंद्रावती जी ने आरती। तब इंद्रावती मान लो पिया जी की धाम धनी की गल स्वरूप की आरती कर रही है तो क्या 12,000 आरती नहीं कर रहे हैं? इंद्रावती का नाम आया तो आगे वान धनी ने शोभा दी तो इंद्रावती के अंदर तो 12,000 समाये हुए हैं और अन्य जो भी सख्या है इंद्रावती के साथ शामिल होकर के नजरों से अपनी निगाहों से धनी की आरती कर रहे हैं, शामिल हो रही आरती के अंदर और हम खड़े रहकर प्रेम से इस तरह से आरती करेंगे तो किस तरह से आने वाले देखने वाले दर्शन करने वाले सबको आनंद आता है। जुटने में खींचा खींच करने में आगे पीछे होने में हम मात्र फरजात बंदगी में रह जाते हैं। एक डिसिप्लिन हर सेवा के अंदर हर उत्सव के अंदर मंदिर के अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, हर जगह पर चाहे कोई भी कार्य हो रहा है चर्चा है भोग है अर्जी है या वंदना है या कहो आरती हो रही है ना, हमें तो 5 मिनट भोग में बैठने की ना फुर्सत होती ना अर्जी में,
खत्म हुआ कि हम चले जाते हैं। लेकिन देखो आप, जिसके पास तारतम नहीं है वो कितने डिसिप्लिन और अनुशासन का पालन करते हैं, और एक थोड़ी सी भी अपने गुरु के प्रति का वो जो भी सेवा बंदगी करते या जो भी इष्ट को मानते हैं, तो किस तरह से कितने किलोमीटर से या तो कहो दूर से आते हैं, आधा घंटा एक घंटा कितने दूर से दीदार होते अपने गुरु जी के या इष्ट के, लाखों की संख्या बैठी हुई रहती है, लेकिन फिर भी उनको आनंद होता है दिल में। क्यों? क्योंकि भाव उनको आनंद देता है, और हमें लगता है कि हम स्वयं करेंगे तो ही हमें आनंद मिलेगा। इसलिए हमें भी मंदिर के अंदर अपने जो भी प्रोग्राम होते हैं, उत्सव होते हैं, आरती होती है, जो कुछ भी सेवा पूजा होती है, उसके अंदर अनुशासन रखना चाहिए, डिसिप्लिन रखनी चाहिए, और भाव को ज्यादा, प्रेम को ज्यादा प्रधानता देनी चाहिए। सबके दिल में भाव, फिर चाहे आगे होकर कोई भी करे, उसके लिए हमें नाम की या यश की या कीर्ति की कोई जरूरत ही नहीं होती है। अब यहाँ सभी सुंदर साथ जो आरती कर रहे हैं, तो किस तरह से नजरों से आरती उतार रहे हैं, और बहुत सुंदर संध्या समय आरती होती है, निशंक होकर के आरती कर रहे हैं। थे अहदी गुलाम मोहम्मद तोड़ा धमोनी से तिनने सुनी बातें वास्ते लोभ के, एक और उत्सव अपने मगन में है मोमिन, और दूसरी ओर दज्जाल आ रहा है बार बार। अब एक गया तो दूसरा आ गया, अहदी गुलाम मोहम्मद कहा। ये गुलाम मोहम्मद ने सोचा कि वो बेदर के मुसलमान आए थे सिख दर को मदद करने के लिए, महात्मा को पकड़ने के लिए, तो महात्मा जी ने उन वैरागी ने इनकी जोरी असरफे से भर दी, तो हम भी शायद जाए तो हमारी जोरी भी महात्मा असरफी से भर देंगे। तो लोभ के कारण आए, और आकर के वो भी दूर से ही कौ गड़ा से ही पुकार कर रहे रामनगर के राजा को, कहते हैं हे राजा, आपके राज्य में जो महात्मा है महात्मा को मेरे आगे कर दो, अन्यथा सुल्तान की लड़ाई होगी, चढ़ाई होगी तुम्हारे ऊपर। तब राजा डर गया, तब राजा डरिया इन पर दब दबा पात साही, इन्हें हम अपने गांव क्यों रखे बदी बदकारों बताओ। राजा ने विचार किया, एक तो वो आया था सिख दर, अच्छा उनकी मति फिर गई और वही खुश होकर के चला गया, अब उनके जाते ही दूसरा आ गया, तो मतलब के सुल्तान की इन महात्मा के ऊपर कड़ी नजर है, जब तक ये महात्मा मेरे राज्य के अंदर रहेंगे तो मैं शांति से बैठ नहीं पाऊंगा, कोई न कोई इस तरह से आकर के परेशान करते रहेंगे, और मेरे ऊपर कहो तो सुल्तान का रोष उतरता रहेगा, तो मैं क्यों रखूं इन महात्मा को अपने राज्य में, तुम जाओ हमारे देश से हम ना सह सके खस खसे। तब कोतवाल को अपने सैनिकों को भेज दिया राजा ने श्री जी के पास, और जाकर के संदेश दो कि आप हमारे राज्य से निकल जाइए, जब तक आप हमारे राज्य में रहोगे तो सुल्तान का रोष उसका गुस्सा हमारे ऊपर उतरता रहेगा, और हम उनके गुस्सा को सहन नहीं कर सकते हैं। तब देखी नजर राजा की दस तबरी कर, तब तां से उठ चले जिमी देखो जहरा। अब राजा की डर भरी नजर को देखा कि पहले भी समझाया था कि आने दो, मैं मुझे मदद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं ही खुद निपट लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं सुना। फिर आ गया तो स्वयं आकर के जो पहचान की वो राजा को जाकर के बताई, फिर भी ध्यान नहीं दिया। अब फिर बारंबार मेरे को कहता है कि इस राज्य से निकल जाओ, तब श्री जी का दिल यहाँ से उठ गया, यह रामनगर की धरती विस्मय लगने लगी। तब जमात के साथ चलने के लिए तैयारी की रामनगर से। अब रामनगर के अंदर कहो 2 साल की बीतक में, इस दरमियान बहुत सारे सुंदर साथ की आमदनी हुई, जागनी हुई है, जिन्होंने अपनी आत्मा समर्पित की है श्री जी के चरणों के अंदर। ऐसे में सबसे आगे थे छतई भाई, कबीला के साथ आए थे चुड़ामन आए, कुंजा आई,
विरजी भयाए रतन गंगा संता कौशल्या जितने 11 बखत श्री जी की अपने घर में 15 नीति दी। फिर सूरत सी आए देवकी नंदन आए जगन्नाथ आए गोकुल दास आए कबीला के साथ जयंती दास आए हरि राम आए। फिर सुंदर आए नानक पंथ के मनिया आई लील भाई आई मुसे खान पठान आया बुढ़ान पर से कांजी भाई आए आयड़ के हेमा भाई आई मथुरी आई भागो आई रायकुवर आई हिमोती आई आशा आई शंभु आए अमना आई राम कुंवर आए जीवन दास आए नवल दास कल्याण दास महासी चौधरी दौलत खान आसाराम और सेख दरवी आए अब्दुल रहमान आए भिखारी दास रघुनाथ और बुढ़ानपुर से वृंदावन नारायण दास बराड़ से लच्छी दास केशव दास वल्लभ दास मनिया गिरधर वसंत फराज रेवा दास चांद खान सब चर्चा सुन करके आए गोविंद भाई आए देवराम भाई आए बिहारी दास आए। तो सभी चर्चा सुन करके ईमान लेकर के कहते मां के प्रति अपनी आत्मा को समर्पित कर देते हैं। अब आने वाले तो बहुत है लेकिन थोड़े से दो चार नाम कहो तो यहाँ हमें बताया महामति श्री लालदास जी महाराज ने। अब यहाँ विक्रम संवत 1740 के अंदर कहो तो श्री जी जमात के साथ निकल गए रामनगर से। संबंध 1739 मास अगन सुदी दस में चले रामनगर से फिर आए 14 गड़े में। अब संबंध 1739 है और मास का अगन का मास यानी श्रावण का मास था और इस समय कहो रामनगर से चल करके पहुंचे 14 के दिन दसम के दिन निकले थे और 14वें दिन पहुंचे गड़ा। अब इस चौपाई पर विचार करेंगे हम तो जो पूनम के दिन महाराजा छत्रसाल और श्री जी का जो मिलाप होता है रक्षाबंधन तो क्या ये रक्षाबंधन ये पूनम हो सकती है विचार करो। अब यहाँ अब गड़ा में पहुंचे श्रावण मास अगन का मास और 14 की तिथि है एक मास के भीतर तो गड़ा के अंदर की एक मास और 13 दिन के भीतर और फिर आगे यहां से निकल करके तो फिर गड़ा से भी तो आगे अगर यहां जाएंगे बिलहरी जाएंगे बुढ़ी बुढ़ा जाएंगे और फिर पन्ना में पहुंचेंगे। लेकिन यह भाव हम ले सकते हैं कि जब लालदास जी महाराज ने वित्तक की शुरुआत की क्योंकि अंतर ध्यान तिथि वह है असार तीज चौथ और फिर पंचमी के दिन से वितक का शुभ आरंभ हुआ तो लिखते लिखते सुनाते सुनाते अष्टमी में पूरा हुआ तो जो मिलाप का प्रसंग था महामति श्री प्राणनाथ जी और महाराजा छत्रसाल जी का मिला वो आया पूनम के दिन। इसीलिए आज के दिन इस प्रसंग का महत्व है और इस प्रसंग को हम मनाते बड़े धूमधाम से क्योंकि ये दो स्वरूप का मिलन है जैसे सदगुरु और इंद्रावती का मिलन और सदगुरु के समय में जैसे कंजी भाई थे उसी तरह से यहाँ महाराजा छत्रसाल है। अब यहाँ अभी गड़ा में पहुंचे नहीं है 14 के दिन पहुंचेंगे अभी जमात तो निकली रामनगर से और निकलते निकलते बीच रास्ते में जा रहे थे श्री जी तो वहां जो वो मोहम्मद जो गुलाम था जो आया था गड़ा से पुकार की थी जब उसने अपने आदमी भेजे रामनगर के अंदर तो पता चला कि श्री जी तो जमात के साथ निकल गए हैं तो फिर वो यहाँ एक बाग के पास पहुंचे तो इस बाग के अंदर फिर उन दज्जालों ने मुसलमानों ने कहो ता करके चढ़ाई की मोमिनों के ऊपर तो मोमिनों की लड़ाई हुई दज्जालों के साथ और लड़ाई करते 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 कहो सुबह होने आई तब श्री जी ने सनंदे सुनाई और उन सनंदे से वो घायल हो चुके पानी पानी हो गए परास्त हो गए और वहां से वो चले गए और अपने आप को कहने लगे यह तो बलि खुदाए का हमसे बेअदबी कछु होए तो होता बुरा हमारा हम ढोर न पावे सोए। अच्छा हुआ हम भाग करके वहां से निकल गए
क्योंकि यह महात्मा तो खुदा की तरफ से सर्वशक्तिमान है। अगर हमारे से कुछ गलती हो जाती, कुछ पाप अधर्म हो जाता, न करने का व्यवहार हो जाता, तो हम तो कहीं के नहीं रहते, न ऊपर के न नीचे के, और हमारी भारी बदनामी और बद्दुआ हमें प्राप्त होती। तो धन्य है हम चले गए। और फिर श्री जी पहुंचते कड़ा में, अब चौदस के दिन गढ़ा में आए, और आदि वहां से चल के गड़े पहुंचे धाये, वहां भगवंत राय का बेटा हाकिम है। अब यहाँ गढ़ा के अंदर एक भगवंत राय का बेटा था हाकिम, और हाकिम ने भी कहो इस जमात के ऊपर बुरी नियत की, सोचा कि इतनी बड़ी जमात है, जरूर इनके पास बहुत धन संपत्ति पैसे होंगे, इनको लूट ले। तो अंदर ही अंदर वो प्रबंध कर रहा था लूटने के लिए। तो यह बात पता चली गंगाराम को, और गंगाराम भाई एक दो बार आए थे यहाँ श्री जी के दर्शन करने के लिए। तो गंगाराम ने उस हाकिम को समझाया कि देख भाई, एक तो तू जो कर रहा है वो भी धर्म नहीं है, चोरी करना लूटना यह भी तो अधर्म है, पाप है, और दूसरा साधु संतों के ऊपर बुरी नजर करेगा, उनको लूटेगा तो तेरी क्या हालत होगी। फिर ये महात्मा और ऐसे नहीं, जो कोई लूट ले मरे मारेंगे तुम ना। ये महात्मा जी लूटने से लूट जाने वाले नहीं है, इसकी जो जमात है वो जमात भी कोई मामूली नहीं है, यह तो मरेगी या तुम्हें मारेगी, इसलिए इनको लूटने का ख्याल तो अपने दिल दिमाग से निकाल दे। फिर पुष्पदी पाचम के बिरजुदई खबर, रामनगर राजा ने अस्तबल खोदिया बड़ी तरह। अब पंचमी के दिन कहो पोष का मास, देखो अब महीना आ गया पोषा, अब पोष के पंचमी के दिन बिरजू भाई ने आकर के खबर दी कि वो जो रामनगर का राजा है, उसने जो केतकी घाट पर जो अस्तबल बनाया था श्री जी ने, और वहां रहे 2 साल तक, वो अस्तबल तोड़ दिया। तो दुख हुआ कि अरे उस अस्तबल ने राजा का क्या बिगाड़ा था, तो तोड़ दिया, लेकिन राजा को डर था कि कहीं वो महात्मा वापस ना आ जाए रामनगर के अंदर, इसलिए जैसे ही वहां से जमात के साथ निकले तो अस्तबल भी तोड़ दिया। लेकिन यहाँ चारों ओर से कहो तो बुरी ही बुरी खबर सुनने को मिली। श्री जी का दिल बहुत दुखी हो गया। अब श्री जी कौन है, ऐसी छोटी छोटी बात में कोई दुख लग जाए ऐसा नहीं है हमारी जैसे, लेकिन कैसी परिस्थिति सबने बनाई होगी कि स्वयं उनका दिल इतना दुखी हो गया। एक और रामनगर का राजा, वो धरती भी विस्मय लगी, वहां से निकल गए तो फिर वहां वो गुलाम मोहम्मद उसने चढ़ाई की, और वहां ईटा की बारिश हुई, और लड़ाई करते यहाँ पहुंचे गढ़ा के अंदर, तो हाकिम ने बुरी नजर की, और फिर ये बिरजू भाई खबर लेकर के आए तो बुरी बुरी खबर सुनने को मिल रही है। तो श्री जी के दिल से कहो तो आज दुआ के बदले बद्दुआ निकल गई गड़े के लिए, लागी लानत कड़े को उस दिन से हुआ कुवार, सो रोज कयामत लो ठोर न आवे लगार। जैसे इस धरती ने मेरे दिल को चल विचल किया है, उसी तरह से स्थान भी कहो तो महाप्रलय तक चल विचल ही रहेगा, कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। गड़ा को लानत लगी, श्राप लग गया। अब यहाँ श्री जी 1 मास और 13 दिन रहते गड़े में, और गड़े में आती है धर्मा डोकरी, धर्मा बाई आई और धर्म में शामिल हुई, घनश्याम बाई आए, हर बाई आए, सदानंद आए, गंगाराम, उज्जैन का वासु, केसर, उदोती, खिमोती, मोहन, धनबाई, मानिक बाई, कुशल सिंह, मधुकर, मयाराम, फिर और कहीं सुंदर साथ आकर के धनी के प्रति मान लेकर के धर्म के अंदर शामिल हुए। अब इन समय लाल दास को हुआ हजूर का हुकम, जाए तो सुल्तान को जाए फिर पैगाम पर तुम्हारा। अब फिर से सुल्तान का
सुल्तान के पास उनके जो पासवान थे काजी, उनके पास पैगाम लेकर के जाने के लिए श्रीजी का हुक्म हुआ लालदास से महाराज के ऊपर। हे लालदास, आप जाइए और जाकर के काजी को पैगाम दीजिए, क्योंकि हमारी फर्ज है, हम अपना धर्म निभाएंगे। अब लालदास सिंह महाराज के दिल में कहो थोड़ी सी दो दिली हो गई, क्या करूं क्या, क्योंकि आज दिन तक कभी भी श्री जी की आज्ञा को कभी ठुकराया नहीं है, ना शब्द का उच्चारण उन्हें कभी भी धनी के आगे किया नहीं है। और दूसरी ओर प्रतिज्ञा लेकर के आए थे, जब गए थे कहां से, बुढ़ानपुर से भेजा था, उस समय जो मारने का जो षड्यंत्र बनाया था, उस समय जो उन रहा पाई ने कहा था, आदि के ऊपर न बोलने का शब्द प्रयोग किया था, तो उसी समय लालदास सिंह महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि आज के उपरांत कभी मैं तुम्हारे पास पैगाम लेकर के नहीं आऊंगा। तब धनी का हुक्म, दूसरी ओर प्रतिज्ञा, करूं क्या। अब लालदास सिंह ने कुरान खोला, यहां से गौतम फाल निकालने की जो परंपरा है देखने की शुभारंभ हुआ। अब उनके पास तो हमेशा कुरान रहता था, तो कुरान के अंदर ही उन्होंने फाल निकाल लिया, और फाल निकाला तो 16वां सिपारा आया कुरान के अंदर का, जिसके अंदर अब फेरून बादशाह की बात और मूसा पैगंबर की और हारून का किस्सा वहां आया। अब इसी फाल को लेकर के लालदास सिंह महाराज आए श्री जी के पास और आकर के सारी हकीकत बताई कि ऐसे ऐसे हुआ। तब श्री जी ने कहा, अब चिंता मत करो, तहा ले क्या मुसे ने खुदाई सो करी अरज, मैं क्यों कर लड़ा फेरुन सो, जो लो मेरी ना करो कराज। वहां मूसा पैगंबर ने खुदा से प्रार्थना की थी, वो फेरुन जो बादशाह था वो बहुत परेशान करता था मूसा पैगंबर को, तो खुदा को अर्ज की मूसा ने कि मुझे इसको मारने के लिए मेरा भाई हारून दे दीजिए इसको परास्त करने के लिए। तो खुदा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके कहा कि जाओ तुझे एक हारून दिया, फिरस्ता ने आकर के बताया। तो अब मूसा पैगंबर ने फिर हारून की मदद से फेरून को परास्त किया। तो यहाँ मूसा पैगंबर स्वयं श्री जी महामति श्री प्राणनाथ जी है, और फेरून बादशाह को सुल्तान है औरंगजेब, और हारून महाराजा छत्रसाल है। तो श्री जी ने कहा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब हमें जल्दी से एक राजा मिलेगा, वो हारून होगा, और उसी हारून से इस फेरून को हम परास्त करेंगे औरंगजेब को। फिर उनको रोक लिया, और उनकी जगह पर कहो तो फिर चरणदास और गरीबदास को भेज दिया दिल्ली में। अब धर्मा मिली लाल को बिचरा में जाते, तुम्हारी बात तुम्हारी बात देव जी ने करी छत्रसाल आगे। अब धर्मा बाई मिली बाजार में लालदास सिंह महाराज को। अब धर्मा बाई आई थी कहां से, इस समय पन्ना से आई थी, तो वहां जो छत्रसाल महाराज के राज्य में जो मोमिनों की श्री जी की बातें हो रही थी, वो सारी खबर लालदास सिंह महाराज को सुनाई कि आपकी बात तो देवकरण भाई ने राजा के आगे की, और राजा के माध्यम से कहो, वो विचार विमर्श जो कर रहे तो प्रजा के अंदर ये बात होने लगी है। तो फिर यह बात लालदास सिंह महाराज लेकर के आए श्री जी के पास है, और आकर के श्री जी को कहा कि हमारी बात तो महाराजा छत्रसाल के राज्य में होने लगी है, देवकरण भाई ने अपना काम कर दिया है। वो विचार विमर्श कर रहे छत्रसाल जी, तो तुरंत मदद करने के लिए यहाँ से शंददास और धर्मदास को भेज दिया कि जाओ और जा करके देवकरण भाई की मदद करो। चिट्ठी भी लिख करके दी। अब चिट्ठी लेकर के शंददास और धर्मदास गए गड़ा से पन्ना। अब यहाँ श्री जी अब गड़े से आ गए अगरिया। अब अगरिया के अंदर कहो लालदास सिंह महाराज, उत्तम दास, जीवन दास और गोविंद दास के ऊपर हुक्म होता है चारों के ऊपर कि आप चारों भी जाइए और जाकर के देवकरण भाई की मदद कीजिए महाराजा छत्रसाल जी को समझाने के लिए, पैगाम देने के लिए।
तब चारों जन श्री जी का हुक्म लेकर के आ गए पन्ना। अब वो भी कहो तो अपनी मस्ती में चलने वाले हैं लाल दासी महाराज और उत्तम दास। तो दिल में विचार दे लाल दास आए पहुंचे आए उत्तम दास आनंद सो बानी राज की दावते। अब यहाँ दिल के अंदर विचार कर रहे थे महाराज छत्रसाल क्या करूं किस तरह से बुलाऊं कौन है पता नहीं। और दूसरी ओर कहो तो यहाँ से मोमिन आए और राज्य के अंदर प्रवेश किया। अब लालदास जी महाराज वो तो भागवत के अंदर के श्लोकों की कहो तो गर्जना करते करते चल रहे थे और दूसरी ओर उत्तम दास जो थे वो वाणी की गर्जना करते हुए चल रहे थे। काया बेड़ी समझे समय रे सायरे लखे संसार मालम जीवे जगाई साथी मेराज पुन्नो पार रोम रोम सुली सुगम खंडे खंडे खाना धारे पूज पिया दुख तिने को जो है तेरी वरने ना। महाराज छत्रसाल ने जब यह सुना वो चौंक उठे अरे इनके पास रहने वाले इस तरह से मस्ती में चल रहे और ऐसे है तो वह स्वरूप कैसे हो गए। सुने श्लोक महाराज ने भागवत के कहे लाल दास तब श्री जी साहेब जी के चरण को दिल में लई आस। बोलो श्री छत्रसाल महाराज की। और तुरंत उन्होंने हुक्म किया श्री जी साहेब जी को बुलाओ ले जाए देव जी तुम लाल उत्तम को ले जाओ सामे आए बुलाने हम। तुरंत उन्होंने हुक्म किया देवकरण भाई को कि अरे जिन स्वरूप का पैगाम लेकर के आप आए तो अरे लाल दास जी उत्तम दास जी जीवन दास जी आए अब जा करके उन स्वरूप को सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर के आइए और इन लाल दास और उत्तम दास को भी जरूरत पड़े तो साथ में ले जाइए। चिट्ठी भी लिख करके दी महाराजा छत्रसाल ने और उनको जा करके कहना कि मैं परिस्थिति के वश में हूँ एक सेकंड के लिए भी मौत छोड़ करके निकल नहीं सकता हूँ इसलिए मैं स्वयं नहीं आ सकता हूँ लेकिन आप समझना कि मैं स्वयं छत्रसाल आपको लेने के लिए आया हूँ। अरे तहां से विदा होए के आए अगर ये पहुंचे रिजाए मिलते राज को सेवा करी समेत कबीले। अब वहां से पन्ना से निकल करके देवकरण भाई उत्तम दास को लाल दास जी महाराज आ गए अगरिया में और आ करके श्री राज जी महाराज को संदेश दिया महाराजा छत्रसाल जी का कि उन्होंने सम्मान पूर्वक आपको वहां आमंत्रित किया है। चिट्ठी भी दी चिट्ठी भी पढ़ करके बहुत खुश हुए और कहा कि मैं स्वयं छत्रसाल आपको लेने के लिए आया हूँ। यहाँ से महाराजा छत्रसाल की सेवा का प्रारंभ हो रहा है। अब चले अगर ये से बुढ़ी बुढ़ा गांव। अब बुढ़ी बुढ़ा गांव में आप पहुंचे श्री जी और यहाँ बुढ़ी बुढ़ा में कहो तो चार मोमिन मिलते हैं। एक थी कमलावती एक थी रतन एक थी राघवदास और एक थे रेवादास। इन्होंने चारों ने अपनी आत्मा कहो श्री जी के चरणों में समर्पित कर दी। फिर बुढ़ी बुढ़ा से आ गए श्री जी बिलहरी के अंदर और बिलहरी के अंदर 11 दिन रहते हैं। यहाँ सतावरी बाई आई दीपा बाई आई गोकुल दास की माँ आई और रामदास ने भी एक उत्सव किया। फिर चले अगर ये से डेरा किया चले अगर ये से परना पहुंचे आए डेरा किया अमराय में ठोर चंदे की चित लाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की महाराजा छत्रसाल की महाराजा छत्रसाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की। नदी किल किला तीर पे उतरे परमहंस आए तिन में शिरदार अक्षरा पिता देख अपना ठोर सुख पाए देख अपना ठोर सुख पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
श्री पांच पद्मावती धाम की। अब यहाँ श्री जी जब आए अगर से चल करके बिलहरी होते हुए बुढ़ी बुढ़ा होते हुए और यहाँ पन्ना की पवित्र धरती के ऊपर अमराई घाट पर किलकिला नदी के तट पर आ करके देखा तो ठोर झंडे की चित लाए। यही स्थान कहो तो जागनी पर्यटन का अंतिम स्थान है जो भविष्य महादेव ने कहा था पद्मावती केन सर्दे विंध्य पृष्ठ विराजिता इंदिरा नाम सा देवी भविष्य ते कलयुगे। भविष्य के अंदर कलयुग के अंदर जैसे महेश्वर तंत्र के अंदर महादेव ने कहा कि विंध्याचल पर्वत के नीचे एक पद्मावती पूरी धाम कहो नाम धाम होगा जिसके अंदर गुम्मट और बंगला धाम विराजमान होंगे जिसमें इंद्रावती नाम की महानाती महान सखिया करके विराजमान होगी। तो यहाँ स्वयं परमहंस के भी सिरदार कहो शिरोमणि कहो साक्षात अक्षराधि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी यहाँ आकर के अपना झंडा गा लिया और जमात के साथ यहाँ विराजमान हुए। डेरा करके परनामे दौड़े देखन गोड़ लोकोर साध वैरागी को आए उतरे देखे हम जावे बांटोर। और जमात के साथ यहाँ विराजमान हुए और गौड़ जाति जो पहाड़ों के ऊपर वो जो भेड़ चराने वाली जो जाति थी उन्होंने देखा कि बड़ी जमात के साथ कोई बराती आकर के यहाँ बैठे हैं अमराई घाट पर तो दौड़ करके नीचे उतर करके आए श्री जी के पास मोमिनों के पास और मोमिनों से कहने लगे या नदी को जल ना पीजियो या के पिए जाए प्राण व्याध। हे साधु संत आप लोग इस नदी को देख करके जल को देख करके यहाँ विश्राम कर रहे हो लेकिन इस नदी का जल मत पीना यह तो जहरीली नदी है विषमयी नदी है इतना विष भरा इस नदी के अंदर कि इसकी बाप से कहो तो ऊपर से पंछी भी निकलेगा तो वह भी मर जाता है। जब मोमिनों ने सुना तो नहीं गौड़ जाति के सामने तुरंत उस जल के अंदर से जल लिया उस नदी के अंदर से जल लेकर के आकर के श्री राज जी का चरण जो है उस चरण का अंगूठा धोया। तब सब साथ ने मिलके धोयो चरण अंगूठा राज डार्यो चरणामृत नदी में पीछे नायो सकल समाज। श्री राज जी महाराज के चरण जो थे उस चरण का मात्र एक अंगूठा जो है अंगूठा को धो करके वही चरणामृत जो है वो नदी के अंदर किलकिला के अंदर डाल दिया और इसी तरह से जैसे ही चरणामृत डाला तो मोमिनों को विश्वास था कि अब ये विष तो अमृत में बन चुका है तो तुरंत उस नदी के अंदर प्रवेश करते सबके सामने और प्रवेश होकर के सबके सामने पी भी रहे तृप्त होकर के जल और जिन्ना भी कर रहे हैं। सभी ने अपनी आंखों से देखा तो कहने लगे यह तो श्री कृष्ण महाराज कियो निर्मल काली देह जेहा बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। अरे उस द्वापर युग के अंदर जब हम कृष्ण लीला श्रवण करते तो उसके अंदर सुना था जो काली नाग ने यमुना का नदी का जो पानी था उस पानी को विष में जहरीला बना दिया था तो श्री कृष्ण ने आकर के फिर उस विषमय नदी को अमृतमय जमुना को विष से रहित किया था। आज कहो तो वही द्वापर युग के श्री कृष्ण इस कलयुग के अंदर स्वयं इस वैरागी के भेष में स्वयं इस अमराय घाट पर किलकिला नदी के तट पर आए हैं जिन्होंने इस किलकिला नदी को जहरीली विषमय नदी को विषमय बना दिया है विष की नदी अमृत की न हो। और देखो अभी महाराजा छत्रसाल जी के साथ मिलाप भी नहीं हुआ है और मेहर पहले ही बरसने लगी उन्हीं की राज्य में थी ये नदी और प्रवेश करते ही सबसे पहले इस नदी को पवित्र बना दिया अमृतमय बना दिया। दूसरी ओर महाराजा छत्रसाल की जो रानी थी मजली रानी जिनका नाम है श्री सुशीला महारानी जी वो
बहुत ही चौपड़ा हवेली के अंदर रहती थी और उसने रात्रि के समय एक स्वप्न देखा और स्वप्न के अंदर उन्होंने देखा एक बड़ी जमात है वैराग्यों की, एक ही भेष में एक ही रंग में सब रंगे हुए हैं। और उन जमात की जो सिरदार शिरोमन जो हंस के भी परम हंस है उनके दर्शन किए और आरती उतारने लगी और आरती उतारते उतारते ही वो जग गए। तो विचार कर रही थी ऐसा सपना तो मैंने कभी देखा नहीं और ऐसी जमात ऐसे स्वरूप भी कभी देखा नहीं, ये दर्शन नहीं किए, कौन है ये। और विचार करते करते फिर पता चला दूसरे दिन के यह तो एक जमात आकर के किलकिला नदी के तट पर अम्राय घाट पर विराजमान हुई है। तो तुरंत सुशीला रानी जो आई दर्शन करने के लिए और दर्शन करके कहो जब वापस जाती है भेजी खबर महाराज को आई पहुंची आई कह भेजी महाराज ने मोए बने न आवने तीता। अब मजली रानी तो चली गई दर्शन करके तुरंत है और दूसरी और संदेश भेज दिया महाराजा छत्रसाल जी को मऊ में कि जिन स्वरूप को आपने बुलाया है अगर ये से लेने के लिए भेजा था वो अम्राई घाट पर आ चुके हैं। तो तुरंत महाराजा छत्रसाल ने संदेश भिजवाया कि मेरे ऊपर बड़ी मेहरबानी की दया की कृपा की लेकिन मैं ऐसा परिस्थिति के वश में हूँ कि एक सेकंड के लिए यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ और दया कीजिए और आप यहाँ पधारिए तिदुनी दरवाजा में। तो श्री जी भी तन की मन की जानते कि क्या हालत क्या परिस्थिति है महाराजा छत्रसाल की, इसलिए सारी जमात जो थी माही बाईजुराज की जिम्मेदारी में रखी अम्राई घाट पर और थोड़े से आगे वहां मोमिन को लेकर के चले और आए तिदुनी दरवाजा। तब चले आप पढ़ने से मऊ पहुंचे जाए श्री भाई जी सात स्वरूप दे छोड़ चले अब आहे। अब वहां से चल करके अम्राई घाट से कहो तो मऊ में आए और मऊ में तिदनी दरवाजे डेरा किया वाही राजा भेष बदल के दर्शन किया आही। अब तिदनी दरवाजा में उतारा किया और बैठ करके वहां चर्चा सत्संग भी करते थे। अब रात्रि के समय महाराजा छत्रसाल ने विचार किया कि मुझे कोई देखे नहीं उस तरस में जा करके सिर देने से पहले एक बार उनको परख लो, समझी बुझी साधु कीजे, समझी बीजी गुरु कीजे, समझी बुझी गुरु कीजे। तो सिर देना है आत्मा को समर्पित करना है तो पहले मुझे उनकी परख करनी होगी। तो भेष बदल करके रात्रि के समय किसी को भी पता ना चले उनको क्या पता अभी यह तो मां से जो साकुंडल सखी परख सकते हो तो यहाँ कितने भी छिप करके रहो बैठो तो क्या पता नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अनजान होकर के छिप करके पेश बदल करके आ करके जो चर्चा हो रही उस चर्चा को सुनते हैं क्योंकि सत्य चाहो तो शब्द चिन्ह सत्य की पहचान शब्दों से होती है। और अब कान के द्वारा परख करके फिर गए अपने महल में। फिर दूजी बेर भेष बदल के कर शिकार को साज सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। अब दूसरी बेर आ रहे दूसरे दिन महाराजा छत्रसाल जाहिर में आ रहे हैं लेकिन फिर भी भेष बदल करके शिकारी का भेष बना करके आ रहे हैं अनजान होकर के आ रहे हैं। क्योंकि महाराजा छत्रसाल भी कोई सामान्य नहीं थे, परमधाम की वो साकुंडल सखी को इस धरती के ऊपर संसार के अंदर श्री गांजी महाराज ने ऐसी सिफत दी है जो शब्दातीत है, जिनका प्रागट्य कहो तो विक्रम संवत 1706 के अंदर हुआ था। सोचो आप, अब 6 के अंदर जो जेठ मास तृतीय तिथि शुद्ध पक्ष
और दिन भी माना जाता है सोमवार के दिन, और गौधुली का जो समय होता है उस समय वो झांसी के पास पूर्व दिशा के अंदर कंकंचन पहाड़ी के ऊपर महाराजा छत्रसाल जी का प्रागट्य हुआ है और 1706 में प्रागट्य हुआ है। और यहां बड़े होने से पहले ही जब मिलाप हुआ था, किस समय मिलाप हुआ था? 1687 में श्री जी और सतगुरु का, और 1712 में तो श्री जी अंतर्ध्यान हो गए, सॉरी मतलब सतगुरु अंतर्ध्यान हुए। तो उसी समय भविष्य कह दिया था शाकुंडल और सकुमा, पहले से ही नजर में ले लिया था शाकुंडल सखी को और हुकुम कर दिया था श्री जी को इंद्रावती को कि मेरी दो आंख करके। और बचपन से ही इतने वीर थे, पराक्रमी थे, और माता पिता उनके जो पिता का नाम है चंपतराय और माता का नाम है लाल कुंवरी भी कहते वीरांगना, और वीरांगना सारंधा भी उनका नाम इतिहास के अंदर आता है, जो मुगलों से लड़ते आए थे। और एक दिन ऐसी परिस्थिति, क्योंकि उनके ही गुप्तचर ने दगा दिया, विश्वासघात किया और अचानक चढ़ाई हो गई, और उस समय गौत तो बुखार से ग्रस्त थे चंपतराय, ताकत नहीं थी उनके शरीर में दुश्मनों का सामना करने की, फिर भी वो लड़े, कितने को मारा। और जब ऐसा लगा कि अब मेरी मरने की बारी है तो मुसलमान के हाथ से मैं मरूंगा नहीं, स्वयं रानी को हुक्म किया था। रानी भी कैसी हिम्मत वाली होगी, वीरांगना देखो कि छत्रसाल महाराज के पिता चंपत राय की इशारत को समझ गए और दोनों ने स्वयं कुर्बानी दी। तो बचपन में समझो कि विक्रम संवत 1718 में दोनों माता पिता से वियोग सहन करना पड़ा था छत्रसाल जी को। और ऐसे जो बचपन से तलवार में भी निपुण थे, शस्त्र विद्या में निपुण, जिन्होंने शिवाजी महाराज जी के पास पहले वो मुगलों की सेना में भी भर्ती हुए हैं, वहां जाके भी सेनापति का नेतृत्व निभाया है और बहुत जंग जीत करके औरंगजेब को दिया था, फिर जब उसने उन्होंने देखा छत्रसाल जी ने, पता चला तो तुरंत सेनापति पद से निवृत्त होकर के शिवाजी के पास गए थे 25 के अंदर। और शिवाजी के पास जाकर के शिवाजी उनके गुरु थे रामदास, उनके पास ले गए थे आशीर्वाद दिलाने के लिए, और उनके पास बैठ करके भी थोड़ी शिक्षा ली उन्होंने। और फिर विक्रम संवत 1728 के अंदर जो चंपत राय के एक मित्र थे, बड़े ही नजदीकी अच्छे मित्र थे, उनके पास मदद के लिए गए, लेकिन मुझे ऐसे ही मदद नहीं चाहिए, अपने पास जो भी सोना था घरेने थे वो सब गिरवी रख करके फिर उन्होंने पैसा जमा किया और एक छोटी सी टुकड़ी बनाई थी, और इस टुकड़ी का सर्जन करे बनाए उसके पहले ही इसी संबंध में विक्रम संवत 1728 में ही श्री जी ने दिव्य स्वरूप में आकर के एक बुद्ध जी की छाप वाला सिक्का दिया था महाराजा छत्रसाल को भेंट के रूप में। इसीलिए तब से वो इसी स्वरूप के इंतजार में थे कि मैं सिर दूंगा तो इन्हीं को दूंगा। और इसी 1728 में ही फिर उन्होंने टुकड़ी का सर्जन करके, एक टुकड़ी की रचना करके, एक 25 सैनिक की छोटी सी टुकड़ी और 5 घोड़े सवार समझ लो, और मुगलों के सामने लड़ने के लिए तैयार हुए। सबसे पहली लड़ाई 1728 में, लेकिन पहले ही विजय का आशीर्वाद मिल गया सिक्का के रूप में, इसलिए हमेशा मुगलों के सामने जीतते ही आए थे। अब विशेष उनके जीवन के अंदर और आगे जो उन्नति होगी वो यहाँ 40 से होगी, मिलाप के बाद 34 साल की उम्र है इस समय महाराजा छत्रसाल की जब मिलाप हो रहा है श्री जी से। इसीलिए इतनी परख कर रहे हैं कि एक बार मैंने सिर दिया तो पीछे तो अगर पछतावा हो गया तो क्या मतलब, तो पहले ही मैं सोच समझ करके अर्पण क्यों ना करूं।
तो महाराजा छत्रसाल जी शिकारी वेश में आए, अनजान बन गए कि मुझे पहचाने नहीं, वैसे वो खड़े हैं। लेकिन जिन्होंने आकर के पहले ही सिक्का दिया है तो उनको कितने भी भेष बदल करके आए क्या फर्क पड़ने वाला है? जो बुढ़ानपुर में बैठे बैठे दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है पता चल सकता है, जिनको जिनको नौतनपुरी से आते हुए दिल्ली रस्ते में क्या बातचीत कर रहे नागजी भाई और संजी भाई वो पता चल सकता है। यहाँ भेष क्या चीज है? तैयार रहना नारियल जयकारा, एक ही बार में फूटना चाहिए सारे नारियल, जितने नारियल है उतने सुंदर सा। हेलो हेलो, हेलो हेलो, तैयार? आवाज नहीं है, बातें नहीं करने की। नाचो गाओ झूमो उत्सव मनाओ लेकिन बातें मत करना। बोले श्री प्राणदान दया रहेगी। अरे रुक जाओ, अभी तो चौपाई भी नहीं आई, मैंने तो तैयारी करने को बोला है। हर साल नारियल फोड़ते हो कि नहीं? तो किस चौपाई में फोड़ते हो? तो बोला मैंने बाबा जो राम राम किया, तो ऐसे ही धड़ाधड़ बस। ध्यान रखो सावधानी के साथ कि बाबा जो राम राम के अंदर फोड़ना है, फिर दूजी मेर भेष बदल के कर शिकार को साज, सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज। अब शिकार का भेष बना करके स्वयं छत्रसाल महाराज आ गए। यहाँ मजलिस भरी हुई थी, सत्संग हो रहा था, चर्चा हो रही थी और श्रीजी स्वयं बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। और ये जो दरी बिछाई हुई थी बैठने के लिए उसके किनारे पर जा करके दूर खड़े रह गए महाराजा छत्रसाल। एक अनजान हो करके जैसे कि कुछ पता ही नहीं है, बुलाया ही नहीं है, जानते ही नहीं है, उस तरह से अनजान हो करके भेष बदल करके दूर दरी के किनारे पर खड़े हैं और दूर से कहते हैं तहा जाए खाए भए तरह मुड़की लाए कहीं I'm
दूर से ही महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, बाबा जू राम राम। और बाबा का जवाब श्री जी ने दिया, बाबा बैठो इधर आए। हम लास्ट में आए और फर्स्ट में कोई बुलाए तो क्या होगा? यहाँ श्री जी ने कहा कि आओ बाबा और आकर के मेरे पास आकर के बैठ जाओ। लेकिन छत्रसाल वहीं जंग खड़े थे ना, वही दरी के किनारा पर बैठ गए। फिर कहा, महा नहीं बाबा और आगे आओ। तब वहां से खड़े होकर के बीच में आकर के बैठ गए। फिर श्री जी ने कहा, तहां से उठ आगे गए तो भी बुलाए आगे, कहीं अब तो परे तुम फंद में, अब कहां जाओगे भागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब श्री जी ने कहा, वहां नहीं और आगे आइए, मेरे पास आकर के बैठिए। हे छत्रसाल, तुम कितने भी भेष बदल लो, अब तो तुम मेरे फंद में पड़े हो। भाग भाग कर कहां तक, कब तक कहां भाग करके जाओगे? तब देखो जैसे गुरु वैसे चेला। तब कहीं महाराज ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डाल रही, ये काम बुद्ध जी से होए। इस चौदह ब्रह्मांड के अंदर ऐसा नहीं है जो महाराजा छत्रसाल को अपने फंदे के अंदर डाल सके, लेकिन ये काम बुद्ध जी से हो है। जो उनको 12 साल पहले सिक्का मिला था बुद्ध जी की छाप का, वो लेकर के आए थे और कहा कि ये काम तो बुद्ध जी से हो है। पास में आए और सिक्का भी दिखाया। अब कौन से शास्त्र के द्वारा समझाए, साक्षी देकर के समझाए, कौन सा सत्संग करे? जैसे बाबा का जवाब बाबा से दिया, उसी तरह से यहाँ सिक्का का जवाब भी सिक्का से दे रहे हैं। तुरंत यहाँ से मुट्ठी भर के सिक्का निकाला और दे दिया महाराजा छत्रसाल जी के हाथ में। देखा तो दोनों ही सैन, अब पहचान लिया कि आए परवर दिगार, जिनके इंतजार में था मैं 12 साल से, वही स्वरूप स्वयं चल करके मेरे घर मेरे पास आए हैं। अब गए महल के अंदर, जाकर के सबको खबर दी महाराजा छत्रसाल जी ने, जिनको भी दर्शन के लिए जाना हो छूट है। बल दीवान भी आते हैं, भेंट आदि लेकर श्री जी के दर्शन करते हैं। और इस समय वहां मऊ में देव कुंवर रानी थी, बड़ी रानी, वो भी आई दर्शन करने के लिए। और दर्शन करते निकले आई, लेकिन भेष बदल करके, ब्राह्मण का भेष बना करके आती है। और जब देखा, कबूल किया, विश्वास आया, ईमान आया, तो फिर अपने दासियों के साथ रानी की तरफ भेंट आदि लेकर के आई और दर्शन करके वो भी वापस गई। इस तरह से कहो, अब तो जिसका इंतजार था वो भी आ गए और जिसका डर है वो भी सामने से आ गया है। लेकिन अब तो कोई चिंता नहीं है, जब श्री जी का साथ मिल गया, अब तो चाहे कितनी भी लड़ाई हो, कैसा भी दुश्मन हो, सब परास्त होने वाले हैं। तो किस तरह से अब औरंगजेब के झंडे को उखाड़ करके अपना झंडा गाड़ते जाएंगे और विजय प्राप्त करेंगे। विशेष कल प्रसंग आएगा नारियल और चॉकलेट का, के सिंहासन के अंदर, चोपड़ा मंदिर के अंदर पधरावनी करेंगे श्री बल स्वरूप की, जो हम सुनेंगे बल श्री छत्रसाल महाराज की। ये काम बुद्ध जी से, तब कहीं महाराज ने, हम पर फंदा डाल रही,
काम बुद्ध जिसे होए, ये काम बुद्ध जिसे होए, ये काम सबको महाराजा छत्रसाल और महामती श्री प्राणनाथ जी के मिलाप के अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आज रक्षाबंधन भी है तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी रक्षाबंधन, शुभकामना। और आज हमारा 15 अगस्त भी है तो देश के लिए भी हमारी भावना है, तो आपको बहुत तो स्वतंत्र दिन की भी बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री आनंद मंगल श्री।